नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप इफ द फोर्स इन वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ सवाल है द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग थ्री आर्म्स ऑफ द लूप इज और हमारे ऑप्शन है थ्री एफ uh, या फिर माइनस एफ या फिर माइनस थ्री एफ या फिर एफ बहुत ही सिंपल सवाल है सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि ये आपका एक स्क्वायर लूप है लेट इस कॉल इट ए बी सी डी ए बी सी और डी Uh, किसी एक आम uh, पे अपना जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड uh, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे बी या तो क्रॉस है या फिर बी आपकी डॉट uh, बाहर आ रही है और आपने कोई दिया हुआ है कि इस वाली आम पे मान लीजिए करंट आपका आई ऐसे 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 जा रहा है इस वाली आम के ऊपर फोर्स की वैल्यू एफ है सवाल ये बाकी थ्री आम जो होंगी उनके ऊपर फोर्स कितना होएगा राइट right. तो इस केस में हमें पता है कि आपका एफ नेट इसके ऊपर जीरो होना चाहिए बिकॉज जब भी हम एक क्लोज लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं नेट फोर्स उसके ऊपर हमेशा जीरो होता है एफ नेट इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि एफ ऑन ए बी प्लस एफ ऑन बी सी डी ए नेट फोर्स जो है इस ब्रांच के ऊपर और बी सी डी ए इन दोनों ब्रांच के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो है इसको हमें एफ़ दिया हुआ है विच एम्प्लाइज आपका एफ बी सी डी ए उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ हालांकि सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी माइनस एफ़ वुड बी द राइट आंसर